नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्लूटूथ हेडफोन स्टीरियो साउंड क्वालिटी के। तो उसके लिए दो क्रीम की डब्बियाँ मैं लेकर आया हूँ, वो उसमें लगाने के लिए ये मोबाइल की बैटरी मैंने ली है ताकि हमें ज़बरदस्त बैकअप मिले। कम से कम 6-7 घंटे कंटिन्यू हम साउंड सुन सकेंगे। और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल है, तो इसे भी हम इसमें लगाएंगे। और एक ये क्लास डी का ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल जो 3 वाट तक का हमें साउंड आउटपुट देगा। और इसमें के 2 स्पीकर लेके आया हूँ मैं, और ये स्टीरियो क्वालिटी का हम बनाएंगे ताकि हमें लेफ्ट राइट दोनों साइड में अलग अलग साउंड क्वालिटी का मज़ा मिलेगा। पाइप का टुकड़ा लेंगे और उसमें 1 इंच की हम पट्टी निकालेंगे काट के। दोस्तों, उस पाइप से हमने ये 1 इंच की पट्टी काटी है और उसके बाद में 2 इस पाइप से ही हमने इस तरह से ये गोल इसकी चिप्स काटी है जो हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये स्विच के लिए छेद हो गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बैटरी लगेगी तो उसे चार्ज भी करना पड़ेगा, तो उसे चार्ज करने के लिए यहाँ पर हम इसमें का एक सॉकेट लगाएंगे छेद करके, तो उसके लिए भी यहाँ छेद करूँगा। इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसमें ड्रिल मशीन की सहायता से मैं छेद करूँगा। दोस्तों, अब एक इसमें का वायर लेंगे जो हमारे ईयरफोन में लगता है। इसमें हमें 2 वायर मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो 2 वायर इसमें मिलेंगे और 2 इसमें, यानी कि हमारे पास 4 वायर हो जाएंगे। इस तरह से सुपर ग्लू की सहायता से इसे चिपकाएंगे इस तरह से। दोस्तों, ये वायर हमने फिक्स कर दिया, अंदर आप देख सकते हैं। अब इस पर हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे छेद करने के लिए इस तरह से। इसे हम स्टैंड ग्लू से फिक्स करके चिपका देंगे। दोस्तों, हम इस स्पीकर को इस पर ग्लू की सहायता से यहाँ पर चिपकाएंगे। और अब हम बैटरी में चार्जिंग मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे, तो नेगेटिव का नेगेटिव में और पॉजिटिव का पॉजिटिव में। दोस्तों, में हम ये स्विच का कनेक्शन करेंगे तो स्विच का एक वायर लेंगे और इस मॉड्यूल में जहाँ पर देख सकते हैं आउट प्लस लिखा हुआ, ये आउट प्लस पर सोल्डर करेंगे। स्विच के कनेक्शन हो गए हैं। अब हमें ये ब्लूटूथ मॉड्यूल और ऑडियो मॉड्यूल इन दोनों पे कनेक्शन करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लेफ्ट चैनल का है और ये बीच वाला ग्राउंड है, ये राइट चैनल का है और ये प्लस 5 वोल्ट और ये आखिरी में नेगेटिव का है। तो इसी तरह इसमें भी है दोस्तों, देखिए लेफ्ट चैनल का है, फिर ग्राउंड, राइट चैनल और प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो इनके कनेक्शन हमें इस तरह से करना होंगे, इस तरह से, यानी लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले का, बीच में ग्राउंड का ग्राउंड, राइट वाला राइट में, 5 वोल्ट का कनेक्शन 5 वोल्ट में और नेगेटिव का नेगेटिव में, ये देख सकते हैं। तो इसके कनेक्शन में कर लेता हूँ और फिर आगे देखते हैं। अब दोस्तों, जिसमें हमने चार्जिंग के लिए छेद किया था और ऑन ऑफ का स्विच का छेद किया था, उसमें इस डबल साइडेड टेप से ये स्टिकर निकाल देता हूँ। और इसे इस तरह से लगाएंगे, स्विच को इसमें लगाएंगे। और यहाँ पर इसे फिक्स करेंगे
तो यहाँ पर ये स्विच हो गया हमारा ऑन ऑफ का। चलिए चार्जिंग सॉकेट इसमें लगाएंगे यहाँ पर के हम कनेक्शन करें सॉकेट के। तो इस जो इस तरफ सॉकेट लगा है इस तरफ करेंगे ये नेगेटिव में और पॉजिटिव में रेड वाला। दोस्तों सॉकेट के वायर सोल्डर हो गए हैं दोनों तरफ देख सकते हैं ठीक से। ये रेड और वाइट यानी नेगेटिव है तो ये हो गया है। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से फिट करेंगे ताकि जब इसे चार्ज करें तो इसमें जलने वाले एलईडी से यहाँ पर रोशनी होगी। और इस वायर का कनेक्शन भी हम करेंगे तो इससे पहले एक कनेक्शन हमें और करना है यहाँ पर नेगेटिव वाला। तो ये और ये दोनों कनेक्शन हमारे होंगे। इसे हम स्टैंड ग्लू से फिक्स करके चिपका देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों हम इसमें वायर को निकाल लेंगे और अब इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करना है दोस्तों तो इसमें दो कनेक्शन होंगे, एक तो इसके पावर के लिए यहाँ पर कनेक्शन होंगे प्लस माइनस प्लस और माइनस के, और दूसरा कनेक्शन होगा दोस्तों इसके आउट का स्पीकर का। एक स्पीकर चूंकि एक स्पीकर तो इसी में लग जाएगा और दूसरा स्पीकर हमारा लगेगा इसमें से होते हुए इसमें आएगा, तो उसके लिए दो हैं, एक स्पीकर का और एक पावर का। और ये राइट वाला चैनल जो स्पीकर का है इस स्पीकर के वायर में मैं यहाँ पर ये वाले सोल्डर करूँगा कनेक्शन प्लस और माइनस के, उसमें मैं ये वाला कनेक्शन जोड़ूँगा। ये एक दिख रहा है दोस्तों लेकिन इस एक के अंदर दो वायर हैं ये आपको मालूम होंगे। अब इसमें 5 वोल्ट का कनेक्शन यहाँ पर करूँगा। दोस्तों पावर के कनेक्शन भी हो गए हैं देखिए। और अब ये लेफ्ट वाले पर हम स्पीकर सोल्डर करेंगे। अब मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारा पावर वाला वायर इन दोनों में से कौन सा है। तो उसके लिए मैं यहाँ इसका नेगेटिव पर चेक करूँगा मल्टीमीटर की सहायता से। तो हमारा ऊपर वाला पावर का वायर है ये वाला हमारा पावर का है। इस स्विच का जो एक वायर हमारा ये बचा हुआ रह गया है उसे हम इसके पॉजिटिव में सोल्डर करेंगे। इसका नेगेटिव चूंकि इस आउट माइनस में हमने सोल्डर किया है और इसका ये पॉजिटिव इस स्विच के पॉजिटिव में सोल्डर कर देंगे। अब ये हमारे जो दो वायर बचे हैं दोस्तों ये हमारे स्पीकर के हैं, तो इस स्पीकर में ये दोनों वायर सोल्डर करेंगे ये वाले दोनों वायरों में सोल्डर करेंगे। बाकी हमारी वायरिंग कंप्लीट है, इसका मैं डायग्राम भी आपको दे दूंगा उससे आप आसानी से वायरिंग समझ सकेंगे। तो मैं सोल्डर कर लेता हूँ। दोस्तों स्पीकर के कनेक्शन हो गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इन दोनों पर मैं टेप लगा दूंगा। और एक हमारा ये कनेक्शन भी खुला है इस पर भी मैं टेप लगाऊंगा ये स्विच वाला कनेक्शन। दोस्तों अब हम इसे ढक्कन लगा लेंगे। अब हमें इसे यहाँ पर इस तरह से चिपका देना होगा, यहाँ पर इस तरह से हम इसे चिपकाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब ये इसमें कि मैंने फॉर्म शीट ली है इसे हम
काट कर इसमें लगाएंगे यहाँ पर। दोस्तों ये हमने काट लिए हैं और बीच का भी हमने काट लिए हैं और ये इस ढक्कन की सहायता से मैंने इसे कट किया है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये बहुत ही शानदार हमारा बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। ये देखिए इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये तैयार हो गया है हमारा ब्लूटूथ और अब हम इसे चला कर देखेंगे। तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ और आप इसका साउंड सुनिए, हम कनेक्ट करके भी देखेंगे इसे। तो मैं माइक को यहाँ पर लगा देता हूँ। ये हमारा कनेक्ट हो गया है दोस्तों, 3.0 बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप साउंड सुन सकते हैं इसका। और मैं साउंड बढ़ा कर भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।